क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एमसीक्यू टाइप है, और इसे दिया है कि अगर मैट्रिक्स इस डिनोशन में है, इस मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय AIJ, जहां पे आई है, आई रो है और जे कॉलम है, और इसका ऑर्डर अगर m/n है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, तब कब बनेगी ये स्क्वायर मैट्रिक्स? तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं, तो जब m और n इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन इज सी फॉर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9।